हाय, मेरा नाम अश्विन गांधी है। मैं रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। और मेरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशंस है वो बोरीवली टू सांता क्रूज है। जब भी आपको इस एरिया में कोई अपार्टमेंट की, कोई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की या कोई कॉमर्शियल ऑफिसेस की कुछ ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ बेस्ट डील ऑफर कर सकता हूँ। नमस्कार, प्रॉपर्टी रिव्यू 360 में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जब ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बायर और सेलर का ट्रांजेक्शन्स पूरा होता है, एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट समझो आपने रीसेल में ले लिया है। आज का जो फोकस रहेगा टॉपिक का वो हाउसिंग सोसाइटी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं फॉर सेक ऑफ ट्रांसफरिंग योर सेड फ्लैट विच यू बॉट इन द हाउसिंग सोसाइटी इन अ रीसेल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेलर। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं आपका ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद में, जैसे आपने फुल कंसिडरेशन दे दिया, पैसा दे दिया, सेल डीड बन गया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर जब आपको एक जो सोसाइटी में आपने जो लिया है फ्लैट वो सोसाइटी में अभी विधि शुरू होने वाली है। कौन क्या चीज़ की विधि है कि जो ये जो फ्लैट लिया है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करना है आपको, तो उसमें कोई कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको सेलर से लेके आपको खुद अपने बना के अपनी सिग्नेचर एप्लीकेशंस वगैरह बना के सोसाइटी की ऑफिस में सेक्रेटरी को, चेयरमैन को देना होता है। तो क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन्स हो गया समझो, तो सबसे पहले जो एक आप फाइल बनाएंगे जो सोसाइटी में आपको देनी है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे तो उसकी हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो ओरिजिनल सेल डीड रहेगा, ड्यूली स्टैम्प एंड रजिस्टर्ड। जो आपने सेल डीड बनाया है और वो जो रजिस्टर्ड किया है वो ओरिजिनल कॉपी जो है आपको एक रखनी है, एक फोटोकॉपी भी निकाल के रखनी है मगर एक ओरिजिनल भी आपको रखनी है। फिर मगर ओरिजिनल समझो आपने बैंक लोन लिया होगा तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी नहीं, तो डुप्लीकेट कॉपी जो रहती है, ट्रू कॉपी जो रहती है, फोटोकॉपी जो रहती है जो ट्रू कॉपी है वो आपको रखनी है। और सेल डीड की एक कॉपी जो है वो आपको फाइल में रखनी है, जो फाइल आप सोसाइटी ऑफिस में देने वाले हो वो। फिर दूसरा, जो सेलर ने आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं उसमें जो सेल डीड है पर्टिकुलर उस फ्लैट में, समझो आगे दो ट्रांजेक्शन हुए, चेंज ऑफ हैंड्स हो गए हैं, दो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, तो उनका जो सेल डीड बना है प्रीवियस बायर के बीच में, जो रजिस्टर्ड है, जो जिस पे स्टैम्प ड्यूटी भरी है, वो सब सारी चीज़ें पेमेंट रिसीट के साथ में, वो भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं 1, 2, 3, तो सब सारे जो सेल डीड हैं प्रीवियस वो भी आपको जो हैं रखने हैं अपने पास, वो फाइल में रखने हैं। फिर एक फाइल क्या बनानी है, क्या डॉक्यूमेंट की बनानी है वो मैं बात कर रहा हूँ। फिर उस फाइल में एक डॉक्यूमेंट रहेगा शेयर सर्टिफिकेट जो सेलर आपको देगा, तो वो शेयर सर्टिफिकेट जो देगा तो उसमें वो सेलर का नाम है कि नहीं वो चेक करके, वो यानी वो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी भी जो है आपको उस फाइल में रखनी होगी जो फाइल आप देने जा रहे हो। फिर आपके जो ओरिजिनल पेमेंट रिसीट्स होती है, जो यानी आपने सेलर को पेमेंट किए हैं तो सेलर ने आपको जो भी रिसीट दिया होगा पेमेंट का, पेमेंट रिसीव्ड करके, तो वो जो सारे एक्नॉलेजमेंट जो हैं उसकी कॉपीज जो हैं आपको रखनी है, क्योंकि आपने बैंक लोन लिया है तो ओरिजिनल सारे पेपर जो हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं बैंक के पास है, तो आपके पास तो फोटो कॉपीज रहेगी, ट्रू कॉपीज रहेगी, तो ट्रू कॉपीज जो हैं आपको इस फाइल में रखनी है, जो फाइल आप
सोसाइटी में देने जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफरिंग द सेड फ्लैट। फिर एक डॉक्यूमेंट जो है सेलर ने कलेक्ट किया होता है, जब आप एग्रीमेंट टू सेल या तो जो बनता है तभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेलिंग एंड ट्रांसफरिंग द फ्लैट, तो वो जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो उसने कलेक्ट किया है सोसाइटी से और वो जो आपके पास है उसकी कॉपी, तो वो कॉपी को भी आपको लगाना है और डॉक्यूमेंट भी आपको फाइल में रखना है। फिर वो सेलर ने जो अपना मंथली मेंटेनेंस या तो आउटगोइंग्स होता है उसका जो नो ड्यू सर्टिफिकेट जो उसने लिया है, यानी सब सारे पेमेंट्स किए हैं उसने सोसाइटी को, तो वो सारी रिसिट जो हैं वो सारी चीज़ और नो ड्यू सर्टिफिकेट जो पहले लेके रखा था उन्होंने, तो वो सारी चीज़ आपको जब भी ड्यू डिलीजेंस करना था और उसके बाद में जब आप एग्रीमेंट टू सेल वगैरह में आप एंटर हुए तभी ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए होंगे, तो वो जो उसमें से नो ड्यू सर्टिफिकेट जो हैं वो भी आपको इसमें लगाना है। फिर एक अलग अलग किस्म के सारे फॉर्म्स रहते हैं, वो जो फॉर्म्स रहते हैं सोसाइटी को भर के एज ए एप्लीकेबल एज ए एप्लीकेशन या तो एज ए अंडरटेकिंग या तो एक लेटर या नॉमिनेशन फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड होता है वो, तो वो सब सारा चीज़ आपको भर के सारे उसमें डिटेल्स भर के देने होते हैं। वो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला एक फॉर्म नंबर 20 पार्ट 1 जो रहता है वो सेलर की तरफ से होता है साइन किया हुआ, और उसमें वो सोसाइटी को इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो फलाना फलाना जो फ्लैट था मेरा वो हमने फलाने फलाने बायर को बेचा हुआ है, तो इंटीमेशन ऑफ द सेलिंग ऑफ द फ्लैट टू द सोसाइटी, सो दैट कम्स टू अंडर फॉर्म नंबर 20 पार्ट 1। फिर फॉर्म नंबर 20 पार्ट 2 जो है उसी तरह का एक इंटीमेशन लेटर जो है सोसाइटी को लिखते हैं कि भाई फलाना फलाना फ्लैट जो है फलाना फलाना पार्टी से, यानी जो आपका मेंबर जो था अभी जो वो आउटबाउंड मेंबर हो चुका है तो उससे हमने ख़रीदा है, तो और वो साइन करके वो लेटर जो है उसकी एक कॉपी, और सेलर भी उसी तरह का एक लेटर बना के साइन करके उसकी एक कॉपी आपको वो फाइल में रखनी है, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो जो आपको अल्टीमेटली सोसाइटी के सेक्रेटरी को देना है। तो ये फॉर्म 20 पार्ट 1 फॉर्म 20 पार्ट 2 जिसमें आप हम इंटीमेशन देते हैं कि बाय सेल ऑफ द पर्टिकुलर फ्लैट का हो चुका है। फिर एक रहती है फॉर्म नंबर 21 जिसमें एक एप्लीकेशन होता है, उसमें फॉर्म नंबर 21 जो है वो सेलर से साइन करके लेना है आपको, जिसमें एप्लीकेशन होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सेड फ्लैट, वो जो है पर्टिकुलर बायर को जिसने फ्लैट परचेस किया है उसके फेवर में करना है, वैसा वो इंटीमेशन जो है उस फॉर्म के द्वारा सोसाइटी को लिखते हैं वो, और वो जो हैं वो फॉर्म में साइन सेलर की लेके आपको उसकी कॉपी भी फाइल में रखनी है। उसी तरह एक फॉर्म 23 रहता है जिसमें आप जो हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी आप जो हैं वो एप्लीकेशन करते हो सोसाइटी को कि अब ये मैंने ख़रीदा है, तो आप इन अ ड्यू कोर्स सारा फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में ये सारे शेयर ये जो हैं आप मुझे मेम्बर्स बनाइए और ये जो प्रॉपर्टी जो है वो आप मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करिए, तो वो एक फॉर्म 23 होता है। तो फॉर्म 21 सेलर की तरफ से होता है, फॉर्म 23 बायर की तरफ से होता है, और वो भी आपको एक एक कॉपी जो है फाइल में रखनी है। फिर एक पहले हुआ करता था यूएलसी में अर्बन लैंड सीलिंग हुआ करती थी एक्ट होता था, तो उसमें अभी ये लेते नहीं अंडरटेकिंग कि भाई आपके पास में जो है 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है करके एक डिक्लेरेशन
देते थे, मगर अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर एक आपको अंडरटेकिंग देनी होती है कि भाई ये जो फ्लैट मैंने जो पर्पस से लिया है रहने के लिए, रेसिडेंस बना के, रेसिडेंस के हिसाब से जो लिया है वो पर्पस है उसका, तो उसका कोई कॉमर्शियल यूज़ जो है वो करूँगा नहीं, या तो कोई अदर पर्पसेस से यूज़ करूँगा नहीं, ऐसे जो हैं वो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है। वो शायद फॉर्म नंबर 14-4 है, तो वो भी फिर बना के साइन करके आपको फाइल में रखना है। और एक फिर बाद में जो है एक नॉमिनेशन फॉर्म रहता है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, उसमें भर के सारी डिटेल्स कि भाई आप जो हैं किसको नॉमिनेट करते हैं, वाइफ को करते हैं, बच्चों को करते हैं, किस तरह से नॉमिनेशन आप भरते हैं, बनाते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें जो हैं उस नॉमिनेशन फॉर्म में आप लिख कर भी उस फाइल में आपको उस नॉमिनेशन फॉर्म को भी देना है। ये जो है जब आप सेक्रेटरी चेयरमैन को ये सब सारी फाइल जो जितने डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस करिए कि ये वो बना के उसका एक सेट बना के जब आप देते हैं और उसमें जो आप लिखते हो कवरिंग लेटर में कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स में दे रहा हूँ और आप जो हैं हमारा फ्लैट जो है आप ट्रांसफ़र करिएगा इन ड्यू कोर्स, तो ये जो फाइल जो है वो पूरी डिस्कस होती है मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में, मंथली होती है वो, और उसमें फिर वो सब सारी आपके वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर समझो कि कोई और डॉक्यूमेंट भी सोसाइटी को चाहिए समझो, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और या तो लिखित में आपको देंगे कि ये एक दो चीज़ और हमको इस फ्लैट की चाहिए तो आप हमें प्रोवाइड करिए, तो वो मुताबिक आपको और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सोसाइटी मांगती है तो आपको देना है। और फिर बाद में लास्ट में ये आपका जो फ्लैट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है वो AGM में अप्रूव होती है, तो AGM जब अप्रूव होता है तब जाके ये आपका फ्लैट का जो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन जो है वो मंजूर होती है, और फिर वो शेयर सर्टिफिकेट या रिस्पेक्टिव जो भी डॉक्यूमेंट्स है सोसाइटी के, फिर वो आपके नाम का जो है सोसाइटी बिल बनता है, शेयर सर्टिफिकेट में आपका नाम एंटर होता है, तो जहाँ जहाँ आपके नाम आपके एज ए न्यू मेंबर्स वहाँ वहाँ वो सब सारी नाम की आपके नाम की एंट्री होती है। तो इस तरह से जो है सारा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके सोसाइटी को देना होता है, और एक बार ये देने के बाद में उसका वेरिफिकेशन होने के बाद में सोसाइटी जो है वो सोसाइटी का जो प्रोसीजर है बायलॉज के मुताबिक, वो बायलॉज के मुताबिक जो है आपका फ्लैट जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसीजर थी जो ये जो डॉक्यूमेंट जो थे उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए इस टॉपिक को आज लिया था। आज के दिन आज बस इतना ही, और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो सारा डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी या तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो, मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन बोरीवली से सांताक्रूज तक का है, तो जब भी आपको मेरी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।